नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। महागठबंधन के लिए बहुत बुरी खबर है। आपको तो पता ही होगा कि कैसे राजद और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन इससे भी बुरी खबर यह है कि ये उपचुनाव एक अपवाद नहीं होगा। इसके बाद भी आने वाले चुनावों में राजद और कांग्रेस एक दूसरे के साथ नहीं लड़ेगी। ये खबर आखिर कहां से आई? कहीं ना कहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है बिहार के, चाहे प्रभारी हो, चाहे मदन मोहन झा हो, शकील अहमद खान हो, या फिर कांग्रेस के सीएलपी लीडर अजीत शर्मा, इन सभी ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात राजद ने किया है। ऐसे में खबर यह भी आ रही है कि तेजस्वी यादव कांग्रेस को लेकर अब पूरी तरह से निगेटिव हो चुके हैं। उन्होंने अपने प्रवक्ताओं को यह छूट दे दी है कि कांग्रेस के नेता अगर एक ईंट फेंकते हैं तो आप यहां से पूरा अधवाड़ फेंक दीजिए, और ऐसी स्थिति में अब यह लड़ाई आपको काफी बढ़ती हुई नजर आएगी। इसी बीच दिल्ली से खबर आ रही है कि लालू यादव आज फिर एक बार सामने आए और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत की, लेकिन अंदर ही अंदर लालू यादव बहुत नाराज हैं अपने कुछ नेताओं को, खास जो कि कांग्रेस के साथ समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने रोक लिया है। आज शाम तक का अल्टीमेटम दिया गया था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कोई इस पर चर्चा नहीं करेगा। ये सारी बातें क्यों हुई, आखिर लालू यादव इतना निगेटिव क्यों हुए, इसके पीछे कारण है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं दोनों सीटों से प्रत्याशी उतारने का मन बना लिया है। और उससे भी बड़ी बात, कन्हैया तो अपनी जगह पर है, पप्पू यादव की एंट्री को लेकर रास्ता साफ हो गया है। अब पप्पू यादव को तेजस्वी यादव से बड़ा नेता बताया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, और इन सारी चीजों से नाराज हो गए कहीं ना कहीं लालू यादव। और उन्होंने ये बात कह दी अंदरूनी सूत्रों के माध्यम से कि हमने कांग्रेस को बिहार में जीवित किया और अब कांग्रेस हमारे ही साथ बदला लेना चाहती है, हमारी बातें अब चुभने लगी हैं, कल तक हमसे हर राय लेते थे और आज बिना पूछे प्रत्याशी उतार रहे हैं हमारे दोनों सीटों पर। ये स्पष्ट करता है कि आने वाले समय में कांग्रेस के साथ हमारा कोई समन्वय, कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा। एक बार ऐसा ही हुआ था कि बिहार में कांग्रेस और राजद के रास्ते अलग हो गए थे, जिसके बाद दोनों पार्टियों को काफी झेलना पड़ा था बिहार में, फिर वापस दोनों एक हुए थे। लेकिन इस बार लगता है लालू यादव ने मन बना लिया है, अपने पुत्र तेजस्वी यादव को सामने रखते हुए उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि कांग्रेस कन्हैया और पप्पू यादव के माध्यम से आखिर तेजस्वी यादव को कमजोर करना चाहती है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के साथ आने वाले किसी भी चुनाव में कोई रिश्ता रखना संभव नहीं है। मतलब सीधी बात समझ लीजिए, अब आपको एक साथ लड़ते हुए दोनों पार्टियां बिहार चुनाव में कम से कम इन सूत्रों के आधार पर तो नहीं दिखेंगी। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।